हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमपीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें जरूर इस वीडियो को देख लेना, काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेयर बाजार में कितने चार्जेस लगते हैं, कितने टैक्सेस लगते हैं, इंट्राडे डिलीवरी सारी चीज़ें, अगर आप शेयर बेचते हो तो पैसा कम क्यों आता है, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक्स है भाई एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करें, वो आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अदानी ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर आती रहती है। सो फिलहाल तो देखा गया तो इनके 10 कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, उनमें से एक कंपनी है अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट से रिलेटेड एक अपडेट सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पहले प्लान था कि लगभग 10,000 करोड़ ये अपने एक पोर्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट करने का प्लान यहाँ पे कर रहे करके, बट अभी ऑफिशियली खबर हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रही है कि उन्होंने 10,000 नहीं बल्कि 20,000 करोड़ जो केरला में हम लोग को जो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है उसमें निवेश करने का डिसीजन यहाँ पे ले लिया है। सो डेफिनेटली कंपनीज़ को बड़ा बनाने के लिए कंपनीज़ को लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ता रहता है, वरना क्या हो जाता है एक समय पर कंपनी की ग्रोथ स्टक हो जाती है। इसलिए तो जो बड़े कंपनीज़ होती है ना इनमें यही दिक्कत होती है कि उनकी ग्रोथ फिर क्या हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, एवरेज ग्रोथ बन जाती है, एंड इसलिए उनके रिटर्न्स भी यूजुअली हम लोग को एवरेज ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस चीज़ से अगर बाहर अगर उनको निकलना है तो उनको क्या करना पड़ता है, बार बार कैपेक्स करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अपनी ग्रोथ को मेंटेन के साथ साथ बढ़ाने के ऊपर भी जोर देना पड़ता है। तो यही चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आईटी कंपनियां, आईटी कंपनी में टीसीएस के नंबर आने के बाद एक अलग से पॉजिटिव माहौल देखने को आप मिल चुका है। नंबर तो कोई ऐसा नहीं था कि धूम धड़ाकेदार, बट अच्छी बात क्या थी कि एक्सपेक्टेशन था कि भाई ये बहुत ही खराब करेगा, बट उससे अच्छा नंबर देखने को आप मिल गए। 12,000 के नीचे ही कंपनी का प्रॉफिट रहेगा ये अनुमान था, 11,000 समथिंग 900 समथिंग समथिंग रहेगा करके, बट इन्होंने 12,100 के ऊपर का भी प्रॉफिट दिखाकर बाजार को चौंका दिया। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं एंटायर आईटी इंडस्ट्री में एक उम्मीद की किरण जग चुकी है कि भाई चलो हमारे भी नंबर, मतलब हर एक आईटी कंपनी के नंबर अच्छे आ सकते करके। हालांकि कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है, बट बाजार ऐसे रिएक्ट करते हैं। एचसीएल टेक की भी नंबर हम लोगों ने देख लिए, काफ़ी इंप्रेसिव नंबर देखने को आप मिल चुके हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ विप्रो की ओर भी अभी फोकस बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहा है। ये सारी बड़ी कंपनी है दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा इनमें काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। लाख लाख करोड़ के मार्केट कैप है इनके, तो इनका परफॉर्मेंस एवरेज जीडीपी के हिसाब से यूजुअली हम लोग को वर्कआउट होते हुए देखने को मिल जाता है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं छोटा सा अपडेट है कि पुणे में इन्होंने अपना एक नया IoT एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है भाई, देन अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो JFS की बात करें, फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ा स्कोप रहता है, हर कोई बड़ा प्लेयर फाइनेंस में आने की कोशिश यहाँ पे करता है। ठीक है, अगर RBI के रूल नहीं होते ना तो हर कोई बड़ा प्लेयर, जितने भी बड़े ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, वो अपनी खुद की बैंक खोल लेता। ठीक है, बट बड़ा प्लेयर यहाँ पे क्या कर सकता है, अपनी बैंक खोल नहीं सकता, ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो जियो फाइनेंस की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है, रिसेंटली उन्होंने एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना था तो RBI का अप्रूवल चाहिए था, वो इनको मिल चुका है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते उनकी जो यूनिट है वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे हो सकती है, ऐसी बातें चल रही है, मंडे के दिन पता चल ही जाएगा। देन बात करेंगे तो Q1 के रिजल्ट, आप सभी लोगों को पता है मंडे के दिन ही कंपनी के Q1 के नंबर भी देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कंपनी के नंबर में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला, एंड जो 16,000 का PE हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन होकर आप देख सकते हो 160 के भी नीचे चला गया। ठीक है, तो अगेन मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बना के रखे हुए थे कि सिर्फ PE हायर लेवल का देखकर जो लोग ये कहते हैं अरे इसका PE तो हाई है, हाई है, अरे बाबा ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल हो गया मार्केट। जस्ट इमेजिन PE रेशो ओपन कर लेते, देखते कि अरे PE तो बहुत हायर लेवल का है, अरे कंपनी ओवर वैल्यूड है, PE हाई है इसीलिए कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं होती है भाई। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उस कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या वो कंपनी अपने हायर लेवल के PE को नीचे ला सकती है क्या, ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है भाई उसका बिजनेस कैसा है, एंड क्या उसके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल वो ग्रोथ लेकर आ सकती है क्या, एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या, एकदम ही ज़बरदस्त तरीके से क्या कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। रेवेन्यू बढ़ाना मतलब क्या, बड़ा क्लाइंट लेकर आना, बिजनेस लेकर आना, एकदम हज़ारों करोड़ों का अगर उनको बिजनेस मिल गया तो कंपनी का रेवेन्यू शूट हो जाता है, तो क्या शूट हो जाता है, प्रॉफिट शूट हो जाता है, एंड प्रॉफिट शूट हो गया तो कंपनी का EPS शूट हो जाता है, एंड EPS अगर शूट हो गया जो कि PE रेशियो के डिनोमिनेटर में EPS ही रहता है, तो फिर वो PE को कूल ऑफ कर देता है, नीचे लेके आता है। ये थियरी स्टडी करना होता है, अगर आप सिर्फ PE देखकर ही चलोगे तो काफ़ी सारे लोग इसी चक्कर में बर्बाद हो गए। वो क्या करते हैं, ऐसे भी स्टॉक आपको मिलेंगे जिनका PE 5 है 6, और उन स्टॉक्स में जाके वो पैसा डाल के आते हैं। कितना सिंपल हो गया ना बाजार, लाइफ ही आसान हो गई कि इतना सस्ता वाला PE, अरे बट वहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है मेरे भाई, वो स्टॉक चलेंगे ही ऐसे, वहाँ पे कोई प्रॉपर परफॉर्मेंस ही नहीं रहता है। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो इसके पहले जो कंपनी का ओवरऑल सालाना प्रॉफिट आपको देखने को मिलता था 30 के आसपास, सडनली 1600 करोड़ तक चला गया।
ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को आप मिल जाती है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें दोस्तों हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने बाजार में अभी शुरुआत की है तो इनिशियल स्टेज पे आप यही चीज़ें पढ़कर फटाफट कंक्लूजन ड्रॉ मत कर लेना, अरे भाई पी ऐसा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। काफ़ी लोगों को एक और गलत कंसेप्ट है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो कि स्टॉक का प्राइस अगर ऐसा देखने को मिलकर ना, मान लीजिए चार्ट पैटर्न है, तो उसको वो बोल देते ओवर वैल्यूड करके। अरे ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे भी हमें चेक करना होता है उसका वैल्यूएशन के लिए पी क्या है। अगर इस लेवल पे जाके अगर कंपनी ने अपने पी को कुल ऑफ कर दिया तो समझ लेना कि वो उस लेवल पे भी फेयरली वैल्यूड है करके। ठीक है, ये चीज़ें समझने के लिए टाइम लगेगी। इनिशियल स्टेज पे हमें भी लगता था कि चार्ट पैटर्न रॉकेट बन गया करके, तो ऐसा है करके। हाँ, ये बात उतनी कड़वी सच है कि यूजुअली चार्ट पैटर्न इतना रॉकेट बनने के बाद कंपनी के वैल्यूएशन स्ट्रेच आउट हो जाते हैं, बट हर किसी को हम लोग ये सेम फ्रेम में नहीं डाल सकते भाई। बाजार बहुत इफ बट का खेल हम लोग को बताते हुए देखने को आप मिल जाता है। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया 1+1=2 करके नहीं, आपको हर एक सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जवाब देखने को आप मिल जाते हैं। एनीवेज, जियो की बात करें तो हम लोग को मंडे के दिन देखने को मिलेगा इनके नंबर कैसे रहते हैं करके। देन बात करेंगे तो भाई इरेडा से रिलेटेड भी हम लोगों ने नंबर्स तो देख ही लिए हैं। ठीक है, नंबर की बात करें तो आपको बताया 30% की जंप हम लोग को फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है, और जिस बिजनेस में ये काम यहाँ पे कर रहे हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो अपने आप को एक्सपांड करते हुए हम लोगों को ये कंपनी देखने को आप मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, ये एक सवाल काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, काफ़ी लोग सवाल ये भी पूछते हैं, सर हम लोग बाय करें क्या, हम लोग होल्ड करें क्या, हम एवरेज करें, नहीं बोल सकते दोस्तों, रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, गलत रहता है ये चीज़ें बोलना, एंड चैनल इस चीज़ के लिए नहीं खुला है भाई, रिकमेंडेशन ही देना होता। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज स्टार्ट करके भाई एक सेकंड का वो काम होता है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये चीज़ों देखो, एंड इसके लिए टाइम लगेगा, दिमाग पक जाएगा लिटरली, यहाँ पे कहना चाहूँगा। अभी व्हाट नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है भाई, बजट, ऑब्वियसली बजट से रिलेटेड, इरेडा से रिलेटेड भी कुछ उम्मीदें क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। सेक्शन 54EC को लेकर हुडको एंड इरेडा का समावेश उसमें हो सकता है, ऐसी बातें बोली जा रही है। होगा नहीं होगा, 23 जुलाई को ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो चीज़ के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो IRFC भी अगर बात करें तो रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने वाली ये कंपनी है। ठीक है, काफ़ी लोगों को इससे रिलेटेड भी अलग अलग सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ये फाइनेंस करते कैसे, मतलब यूजुअली बैंक कैसे करते, पब्लिक से पैसा लेती है और आगे फॉरवर्ड कर लेती है लोन के फॉर्म में ज़्यादा बैच के हिसाब से। हाँ, तो इनका जो फाइनेंसिंग का तरीका होता है दोस्तों, ये फंड्स को बोरो करते हैं मार्केट से। ठीक है, इनका लगातार यहाँ पे फंड बोरिंग यहाँ पे चलते रहते हैं हमेशा। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करो ना, ये आप सवाल इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपने इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं किया होगा। उन्होंने दोनों चीज़ें देखे रखी हुई है, इनका बैकग्राउंड भी एंड फंडिंग स्ट्रक्चर भी उन्होंने बता के रखा है, कैसे वो बॉन्ड के थ्रू वो सेक्शन 54EC का भी आप लोगों को वहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा। तो वहाँ पे वो बताते कि कुछ भी करके वो क्या करते हैं, लोएस्ट लेवल पे क्या कर लेते हैं, मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करते हैं। यही तो इनका काम है फाइनेंस का, कि लो बैच के ऊपर बड़ा पैसा उठाओ, ठीक है, एंड आगे क्या कर लो, ज़्यादा बैच के ऊपर वो पैसा यहाँ पे दे दो, एंड जो गैप यहाँ पे बचेगा उससे वो प्रॉफिट यहाँ पे कमाएंगे करके। यही इनका टोटल हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी भी से रिलेटेड भी आप लोगों का बिजनेस यहाँ पे, फाइनेंस से रिलेटेड भी बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड कुछ भी करके मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश ये यहाँ पे करते रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो RVNL, यस RVNL की भी बात करें, फिलहाल 625 पे स्टॉक चल रहा है। काफ़ी रिटेलर तेज़ी देखकर स्टॉक के पीछे भागते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। एनीवेज, सो फिलहाल अगर देखा गया लगातार सिलसिला यहाँ पे जारी है दोस्तों, लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रॉम सेंट्रल रेलवे। यस, किस चीज़ के चलते, ओवरहेड मॉडिफिकेशन यहाँ पे इनको यहाँ पे करना है, एंड इस चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें, बहुत सारा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे बता के रखी हुई है। इंपॉर्टेंट दो चीज़ें देख लेते भाई, टाइम पीरियड क्या है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, तो बोला है भाई 2 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोग दे रहे हैं, इसको कंप्लीट करो, और इसकी कॉस्ट है लगभग 132.59 करोड़। ठीक है, तो 130 इतना 130 करोड़ के आसपास पैसा इनको यहाँ पे मिल जाएगा, बट 2 साल के भीतर भीतर ऐसा नहीं आता है, एक झटके में चेक फाड़ के नहीं आता है भाई। आप अपने घर में भी किसी को अगर छोटा भी कोई काम दे दो, चलो पेंटिंग का काम दे दो, अगर पेंटिंग वाला बोलता है 5,000 लूँगा, 10,000 लूँगा, 20,000 लूँगा, 25,000, वॉट एवर, क्या आप पूरा चेक फाड़ कर देते हो? नहीं ना, आप कुछ अमाउंट दे देते हो। ठीक है, तो वैसा ही होता है इनमें भी, कि आप जैसे जैसे काम करोगे वर्क सर्टिफाइड होते चला जाएगा, वैसे वैसे वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे होता रहता है। उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं भाई, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी अपने मन के हिसाब से चीज़ें करो करके, नहीं, जैसा काम होगा उस हिसाब से वो परसेंटेज में उनको रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे करना होता है, और ये रूल्स कंपनी टू कंपनी हम लोग को अलग अलग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, बट ये अच्छी बात है भाई, लगातार कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चलनी चाहिए, तभी तो जाके कंपनी के रेवेन्यूज इतने टॉप लेवल पे मेंटेन रहेंगे। आ जाते हैं दोस्तों डीमार्ट के ऊपर, आज के दिन हमेशा डीमार्ट के नंबर हम लोग को यूजुअली सैटरडे के दिन ही देखने को मिल जाते हैं। सो डीमार्ट अगर देखा गया, काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, 3.75 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सो रिटेल स्पेस में काम करने वाली कंपनी, अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट कंपनी का 17.5% से बढ़कर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 18.5% से ज़्यादा रेवेन्यू की जंप है।
ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने यहाँ पे इस क्वार्टर वन में कितने स्टोर्स ऐड किए, 6 स्टोर्स ऐड किए हैं। एंड जुलाई मंथ की बात करें जो अभी चल रहा है, इसमें और नए 2 स्टोर्स उन्होंने फिलहाल तो इंक्लूड करके रखे हुए हैं। सो डीमार्ट के नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी का इनकम, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली हम लोग को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे अगर आपको बट लगाना है तो वो एक कौन सा वाला बट आ जाता है, यस एस्टिमेट का बट आता है, ठीक है। वो चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अनुमान था 13,957 करोड़ होना चाहिए, यहाँ पे कितना 14,000 करोड़, अच्छा है कि नहीं, चलो रेवेन्यू तो एस्टिमेट से अच्छा ही है। देन EBITDA की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे अगर देखा गया तो 1,249 करोड़ का एस्टिमेट था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना है 1,221, तो थोड़ा सा फ्लैटिश डाउन है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, चलो ठीक है। देन मार्जिन्स की बात करें, 8.9 का एक्सपेक्टेशन था, 8.7 है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टरली ईयरली काफ़ी अच्छा है, बट अनुमान था भाई 850 करोड़ के आसपास, तो प्रॉफिट दिखा दो, यहाँ पे कितना है 774 करोड़। मतलब अगर मैं डीमार्ट के नंबर को समराइज करके अगर आपके सामने रख दूँ, तो एक्चुअल में कंपनी के आपने नंबर तो पड़े ही होंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जंप तो जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट एस्टिमेट की बात करें, अनुमान की बात करें, तो अनुमान के हिसाब से तो हम लोग को कम परफॉर्मेंस देखने को मिला। TCS में बिल्कुल उल्टा हुआ था, TCS में अनुमान से बेहतर नंबर हम लोग को देखने को मिल रहे थे, इसलिए बाजार ने थम्सअप दिया। यहाँ पे इनके एक्चुअल परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है, कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं, मतलब आप बोल सकते हैं बैट्समैन आया, बैट्समैन ने आके 77 स्कोर किया, अच्छा ही है, थोड़ी ना खराब है, बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई इसने तो सेंचुरी लगानी चाहिए थी, ये क्या 77 करके आउट हो गया। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, और शेयर बाजार में ये चीज़ें चलती रहती, इससे कोई कंपनियां तबाह होती नहीं है, ये चीज़ें हमेशा कई सालों से चलती रहती, प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, ट्रेडर लोग अपना दाव हमेशा यहाँ पे खेलते रहते हैं। सो कंपनी का जो लार्ज साइज का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है एवरेज के हिसाब से, उस हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। हाँ, ओवरऑल अगर बात करें मंडे की, तो यहाँ पे एस्टिमेट के हिसाब से बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है इनके ऊपर, वो एक देखने वाली बात जरूर यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।